और बेटे क्या हाल चाल तुम्हारा भाई एकदम मस्त सेक्सी। तो आजकल हुकूमत बड़ी ही जबरदस्त चल रही है भाई, मतलब आजकल जो हालात चल रहे हैं ना बड़े ही जबरदस्त। तरीके तो मैं तो मात आ चुकी है और खान साहब मुझे लग रहा है कि जाने वाले हैं, क्योंकि जिस टाइम की उन्हें ऐलान करा ना, मैं कह रहा हूँ मज़ेदार है, लेकिन लिखवा के ले लो मुझसे कोई एक भी मुआहिदा ना पूरा नहीं होना कि हमेशा इस तरह ही करें MKM और PP वाले है। लेकिन सही मज़े जो आए हैं ना वो चौधरी बरादरान के हैं भाई। वजीर आला ने ना दिया और बुजदार साहब की छुट्टी हो गई, वो तो पहले ही हमें पता था कि बुजदार साहब जाने वाले हैं। लेकिन जो असल मज़ा किया है ना वो PTI के वो जो मनहरी का रकीन है ना, उन्होंने करा भाई मज़ा, क्योंकि भाई उनको भी वजीर आला बनाने लगे हैं, उनकी वाह वाही होने लगी है। और आमिर भाई एज़ यूजल लोटा, मैं तो भाई इसको लोटा ही कहूँगा है, चाहे PP में जाए चाहे उसमें जाए चाहे फलाने में जाए। और फिर रज के एक दूसरे को ना ट्रोल किया जा रहा है ट्विटर पे फेसबुक पे है। ट्विटर पे तो बल्कि ट्रेंड चलाते हैं, पता नहीं अजीब अजीब से कभी गालियाँ ट्रेंड कर रही हूँ मैं, कभी क्या लग कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है, नहीं मतलब क्या है। और जिसका जो मन में आता है वो वीडियो वैसे बना के अपलोड कर देता है, भाई ये ले है मैं इसकी सपोर्ट में, मैं इसकी सपोर्ट में। लेकिन मुझे ना बेस्ट वीडियो वो लगी उस बंदे की, कि बंदा जाके पूछता है कि आप दुआ करें कि आपके बच्चे ना इमरान खान जैसे बने या नवाज शरीफ वाले बने। वो जाके पूछता उनके सपोर्टर से, और नवाज लीग का एक भी नहीं कहता कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो क्या नाम है नवाज लीग और जनाब साहब मरियम जैसे बने हैं। सब ने इमरान खान वाले ने कहा कि भाई मेरा बेटा इमरान खान जैसा बने, सब ने ये कहा। बेस्ट चीज़ लगी भाई, उनको पता है कि जो हमारा लीडर है वो सच्चा है, बेशक पीछे उसके करप्ट इंसान है कोई मसला नहीं, हमें पता है सारे करप्ट है पीछे, लेकिन खान साहब जो करप्ट नहीं है इतना हमें पता। हाँ गालियाँ शाले दे देता खान साहब। और जरदारी साहब और बिलावल की तो बात ही ना पूछो ना भाई, मतलब कि उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया ना, मतलब कुछ ना पूछा नहीं, क्योंकि उसको पहले ही जवाब का पता था कि भाई ना हम ना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने और ना ही हमारे आने वाली नस्लें हैं। नहीं मतलब खान साहब जैसे भी हैं लेकिन बंदे ग्रेट हैं, स्पीच दिलवा लो हैं बड़ा ही ज़बरदस्त, कहीं भिजवा दो मैं करूँ ज़बरदस्ती को काम करेंगे ना फल फुल टू फटा जान। लेकिन जहाँ बात आ जाए पिछले बंदे की, जहाँ वहाँ आ जाती है करप्शन रज के हैं, तभी तो वो करप्शन इंडेक्स में हम जनाब साहब 3 दर्जा और नीचे की तरफ चले गए थे खान साहब के दौर में। हालांकि खान साहब जनाब करप्शन ख़त्म करने आए थे, बढ़ाने नहीं आए थे, लेकिन बेचारे खान साहब के साथ हुई बुरी हैं। जितने भी लोटे साथ आए थे हारे जाना वो आम तरफ चल रही है, जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं डलता उसके बाद जनाब सब अपने अपने मौजें सारे एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे, जिस तरह सब सब बैठे थे ना।